नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP24 और मैं हूं आपके साथ स्नेहिल। मध्य प्रदेश का विभाजन होने के बाद और नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार औद्योगिकरण की रफ्तार तेज हुई है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ तेजी से उभरते राज्यों की लिस्ट में शामिल हुआ। लेकिन इस उपलब्धि ने हमें एक अभिशाप भी दिया है। सूबे की हवा जहरीली होती जा रही है, यहाँ वायु प्रदूषण चरम पर पहुँच चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़ जैसे शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमण से लगे शुरुआती लॉकडाउन की बात करें तो प्रदूषण की दर में अनुपात 50% तक गिरावट सामने आई थी। वहीं दूसरे लॉकडाउन में प्रदूषण की दर में 30% गिरावट देखने को मिली। लेकिन संक्रमण और प्रदूषण को जोड़कर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ गठन के बाद प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां भी तेज हो गई थी। औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से प्रदेश में जो वायु प्रदूषण की जो दर है उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। भले ही हम पिछले एक साल पहले कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की बात करें, जिसके कारण वायु प्रदूषण की दर में लगभग 50% तक जो कमी है वो आई थी। उसके साथ साथ अनलॉक हुआ, अनलॉक के बाद वायु प्रदूषण की जो दर है वह बढ़ने लगी, जिसके बाद वह दर 50% कमी के साथ 30% कमी पे आकर रुक गई। छत्तीसगढ़ में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ने की स्थिति को लेकर पंडित रविशंकर शुक्र विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। प्रदेश की जनता के साथ साथ यहाँ के जीव जंतुओं के लिए भी यहाँ की आबोहवा खतरनाक साबित हो रही है। रसायन अध्ययन शाला के आंकड़ों की बात करें तो हवा में PM2.5 का स्थान निर्धारित मानकों से 7 से 8 गुना तक ज्यादा पहुंच गया है। PM2.5 का आंकड़ा 450 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब तक दर्ज किया गया है। यह सामान्य से कई गुना ज्यादा होने के चलते काफी घातक है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के विभाग के HOD प्रोफेसर शम्स परवेज के मुताबिक हवा में खतरनाक रसायन का एनुअल एवरेज 145 से 150 माइक्रोग्राम तक पहुँच गया है। प्रदूषण की स्थिति के मामले में वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन के दौरान में तकरीबन 50 से 55% तक प्रदूषण वायु प्रदूषण में कमी आई थी, जो शोध के आंकड़े बताते हैं। और इस बार जो लॉकडाउन हुआ इसमें पूरे औद्योगिक क्षेत्र तो बंद नहीं हुए थे, तो इस कारण से जो शोध में हम लोगों ने अनुमान लगाया वो तकरीबन 30 से 35% का प्रदूषण लेवल कम हुआ है। और आज की तारीख में अगर बात करें तो हमारे यहाँ चाहे वो रायपुर हो, चाहे दुर्ग भिलाई हो या बिलासपुर हो, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या पूरे छत्तीसगढ़ भी ले लें अर्बन एरिया में, तो प्रदूषण का लेवल एक तो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद लगातार जो जिस तरीके से मानसून सक्रिय हुआ है उसकी वजह से प्रदूषण लेवल में काफ़ी कमी आई है। तकरीबन ये कह सकते हैं PM2.5 का लेवल करीब 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के नीचे आ गया है, जबकि दैनिक डेली जो स्टैंडर्ड है वो 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का है, और उसकी वजह जो मैंने बताई आपको। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कोरबा, प्रदेश के 8 जिलों में होता है उद्योगों से जुड़ा काम। प्रदूषण के कारण इन जिलों में रहा कोरोना का समय से ज्यादा असर। प्रदूषण और संक्रमण के मिश्रण के कारण इन 8 जिलों में आए 69% केस। कि जिन जिन इलाकों में या शहरों में प्रदूषण लेवल ज़्यादा था वहाँ पे कोरोना से न केवल इन्फेक्शन केसेस ज़्यादा बढ़े हैं बल्कि मौतें भी ज़्यादा हुई हैं, है ना। तो अगर इवन आप अपने राज्य सरकार का भी डेली का जो डेटा देखें, अगर कोरोना का उसका टेबल जारी होता है तो अकेले जो 8 जिले हैं जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा और कोरबा, ये 8 जिले हैं, टोटल 29 जिले हैं। इन 8 जिले में जो रजिस्टर्ड केसेस हैं कोरोना के, उनकी संख्या को आप टोटल संख्या से डिवाइड करें तो करीब 63% केसेस यहीं से आए हैं। आने वाले दिनों में प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार लाया जा सकता है इसे लेकर रसायन शास्त्री ने बताया कि आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रदूषण सड़कों से निकल कर आता है, चाहे वह खराब सड़कों की धूल की कण हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिसमें लगभग 50% प्रदूषण होने का बताया जाता है। इसके बाद बात आती है फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुओं की, जिससे लगभग 30% प्रदूषण सामने आता है। इसको लेकर आम तौर पर लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वर्तमान में किस तरीके से मार्ग का उपयोग किया जा रहा है और उसे निरंतर जारी रखने के लिए किस प्रकार प्रदूषण से बचा जा सकता है।
और व्यक्ति वायु प्रदूषण से सुरक्षित होगा तो कोरोना संक्रमण से भी लड़ने में आसानी होगी। तो पब्लिक को चाहिए कि इसमें पूरी तरीके से कोऑपरेट करे, ना कचरा घर के बाहर जलाए, गाड़ियों को टाइमिंगली मेंटेन करे। फैक्ट्री मालिकों को चाहिए कि अपनी जो फर्नेस है उसको लगातार उसकी रीऑयलिंग या उसकी रिपेयरिंग कराएं, ताकि किसी तरीके का फ्यूजिटिव एमिशन ना हो। जो कोयला इस्तेमाल किया जा रहा है उस कोयले के मामले में बहुत सजग रहें उद्योगपति कि किसी भी तरीके से हाई मॉइस्चर कंटेंट का कोयला वहाँ की उनकी फैक्ट्री में ना आने पाए और ना हाई एश कंटेंट का, है ना। इसके अलावा जो नगर निगम है PWD, उनको चाहिए कि सड़कों की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि बारिश के बाद जैसी बारिश बंद होगी तो सड़क उखड़ने से, सिर्फ सड़क से जो डस्ट उड़ती है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो रोड ट्रैफिक, जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स वैज्ञानिक में, हम लोग रोड ट्रैफिक का अकेला कंट्रीब्यूशन शहरों के अंदर में करीब 55% तक कंट्रीब्यूशन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल समय समय पर देश भर के प्रदूषित राज्यों और क्षेत्रों की सेक्टर वाइज जानकारी जारी करता है। 100% औद्योगिक क्षेत्रों में रायपुर का सिलतरा 17वें स्थान पर है, जबकि कोरबा 37वें और भिलाई दुर्ग 93वें स्थान पर है। देश के 100 प्रदूषित शहरों में छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, कोरबा और भिलाई दुर्ग आते हैं। इसके बावजूद अब तक हवा की स्वच्छता को मापने वाली मीटर छत्तीसगढ़ में नहीं लगाई गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में ही 15 जगहों पर ऐसी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग मीटर लगा चुकी है। TCP 24 के लिए रोहित बर्मन की रिपोर्ट। TCP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।